ਬੀਐਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੇਨ ਮੋਰ ਮਾਰਕਸ ਓਕੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ वीडियो लिंक नीचे होएगा उस सिलेबस जरूर देख लो जे कुछ भी नहीं करना घट्टो घट सिलेबस जरूर देख लो पहला देख लो उस तो ये पता लग जाता है कि ये चीज़ा हन फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन मिनिस्टर की कोई न्यूज़ आ रही है वही मिनिस्टर का नाम पूछा गया है यूनीवर्सिटी गुरु नानक देव कदों अस्टैबलिश हुई पंजाब यूनीवर्सिटी कदों अस्टैबलिश हुई अच्छा किनिया यूनीवर्सिटीज़ है जी टैक्निकल यूनीवर्सिटी किड़े जिले च है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अवेयरनैस ना सॉल्व हो सकते इसलिए तुम सिलेबस में एक बार पढ़ लेना है नहीं तो वह वीडियो देख सकते हो खुद भी देख सकते हो अच्छा दूसरा ये पूछा जाता है जी दूसरी वैसे स्ट्रैटेजी सिलेबस तो बाद जो कम करना है दूसरा बेस्ट है नंबर रैंक 1 से सिलेबस देखो नंबर 2 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो हर हालत देखो जे कुछ भी होर नहीं करना मैं वही स्ट्रैटेजी रखी हैं जिहड़ियां तुहाडे मुताबक कई को टाइम घट होएगा जे टाइम घट है तो आ दो जरूर हर हालत अप्लाई कर ली जान हुण पिछले साल के ज़्यादा पेपर भी नहीं हैं कि सोल्व करने हैं सोल्व करन लई तुहानू नुक्ता दसदा हाँ ऑलरेडी जे लर्न टू एक्चुअलाइज विच जाने हो प्लेलिस्ट जाओ प्लेलिस्ट जाके इत्थे पए आ प्रीवियस ईयर पेपर 24 वीडियो पईआं ने जे खोल के दिखा भी देव इन्हों इस तो इलावा भी दिखाना हाँ देखो प्रीवियस ईयर पेपर टीचिंग पोटेंशियल ते है ना 2017 का 18 का 19 का एरिया 22 का भी डिस्कस है लेकिन 22 का मैं एक्सप्लेन घट किया हुआ और दोबारा पा दिना हाँ 18 का है टीचिंग पोटेंशियल है जनरल अवेयरनैस के सारे पिछले पेपर पे हुए हैं ये सॉल्व कर लो वीडियो दे पार्ट्स ने 2019 दे जनरल मेंटल एबिलिटी दे भी 2-3 पार्ट्स होंगे कारण की है कि जो मेंटल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन आता है नाल ही मैं सॉल्व करके नाल ये दसदा हाँ इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं ज किस तरह सॉल्व करना है उत्थे एक्सप्लेनेशन वध जाती है उसनू अटेंड कर लो तो बाकी तैयारी बेशक तुसी जे टाइम घट है तो घट कर सकते हो है ना पंजाबी दे है पैराग्राफ किवें सॉल्व करना है मेंटल एबिलिटी आ गई है इंग्लिश दे है पंजाबी भी हो गया इंग्लिश भी हो गया है ना ये रहे सारे सो 24 वीडियो काफ़ी ने तुहाडे लई हिंदी सिर्फ नहीं है क्योंकि हिंदी दी ऑप्शन शायद ही कोई लैंदा होवे ते इस तो इलावा तुसी मैं बाकी वीडियो भी तुहानू दिखा दवां वापस चलदे हां कित्थों जाना है इत्थों जाना है ये जिदा किसी ने सुजैसट किया कि सर ब्लड रिलेशन से बना दो ब्लड रिलेशन कि सॉल्व करना 3 वीडियो ये वालिया पई होर तुम कहो कि वह भी बना दाँगा अच्छा स्कूल डिसिप्लिन के औखे क्वेश्चन आते सी उत्ते वीडियो पईया हुई हैं सो ये वीडियो जरूर देख लेनिया चाहिए हैं इत्थे तक सफिशेंट है मेरे ख्याल में थोड़ा 80-70% इत्थे तक हो जाएगा जे इस तो भी वध मार्क्स लैने ने अगला है कि MCQ नू सॉल्व करन दे कुछ ट्रिक्स होंदे हन फॉर एग्जाम्पल तुसी सिलेबस प्रीवियस ईयर पढ़िया है घट पढ़िया है तुहाडे कोल नॉलेज मन लो 20% है हुण 20% नॉलेज नाल 100% क्वेश्चन किद्दां सॉल्व किया जाए उहदे दो तरीके होंदे हन ट्रिक्स होंदे हन ओ वैसे 11-12-13 ट्रिक्स ने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दी वीडियो पा देवांगा पिछलियां भी पईआं हन टटली भी पईआं हन सी टटली भी पई है MPS टटली भी UGC नटली भी पईआं हन एंट्रेंस टेस्ट दे बेस ते पा देवांगा लॉजिकली किद्दां सॉल्व करना है कोई भी सवाल हाँ जे तुसी ये ट्रिक्स देख लेंदे हो तां तुहाडे 20% तक नंबर वध जाणगे जदों तुहाडे कोल नॉलेज ही नहीं है ये तो असीं 20% नॉलेज है 30% नॉलेज है 10% नॉलेज है जदों तुहाडे कोल नॉलेज ही नहीं है 0 नॉलेज है फिर गैस किद्दां लाना है उत्थे भी स्ट्रैटेजी काम करदियां हन 5% मार्क्स इहदे नाल गेन कर सकते हो डिपेंड करता तुसीं अप्लाई किद्दां कर सकते हो इस तो इलावा MCQ क्वेश्चन जिहड़े बनांदे ने पेपर सैटर ने वो एक्सपर्ट नहीं हुंदे MCQ दी कमजोरियां हुंदियां कुछ वो कमजोरियां नूं पहचानना है तुसीं नहीं पहचान सकते क्योंकि मैं MCQ कंस्ट्रक्टर भी हाँ रिसर्च विच PhD विच असीं रेगुलर बनांदे रहीदा है असीं जल्दी आइडेंटिफाई कर लईदा है कि ये
रोंग ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दी एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चार ऑप्शन ने, तो सानू जल्दी ही पता लग जाता है कि आ दो ऑप्शन गलत ही होणगियां। सो एक किदां पता लगता है, इस दे वीडियो आ जाणगे, वो ऑप्शन दी लिस्ट बना देवांगा, तुसी मैनू याद करा देना कमेंट बॉक्स विच कि जिहड़े आलवेज करैक्ट ऑप्शन हुंदे आ। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन विच लिखिया है कि पनिशमेंट बच्चे नू दे दो, है ना, पनिशमेंट आलवेज ही गलत होएगा, ठीक है, एक सो ए आलवेज गलत होएगा, यदि एग्जाम्पल होगी, सो आलवेज करैक्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा लर्नर है उसनू एक्टिव होना चाहिए, ये आलवेज ही ठीक होएगा। ये क्यों आलवेज ठीक होएगा, जिहड़ियां फंडामेंटल थ्यूरीज ने टीचिंग लर्निंग दियां, तुसीं बीएड विच पढ़ोगे, वाइगोस्की है, प्याजे है, ब्रूनर है, है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, डरना नहीं है, कुछ औखा नहीं है, अच्छा है, तुहाडे लई मुबारक है, इंजॉयफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसैस में सुजैसट किया जाता है, तो ये हमेशा ही ठीक हो गई। जे मैं वो लिस्ट देती वो वर्ड की, टैग वर्ड, वो टैग वर्ड लिस्ट बना देंगा, जो कुछ नहीं देखना आ सिलेबस देख के वो लिस्ट देख सकते हो, तो तुसी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बाकी कुछ तो तुसी अब तुहाडी नॉलेज है वो सॉल्व तुसी कर ही लोगे। सो वो वीडियो तुसी देख सकते हो। लास्ट तो है कि अच्छा इस तो इलावा ये पहला चलो दसना मार्क्स, ये तैयारी के पॉइंट से मार्क्स गेन करने लिए ड्यूरिंग एग्जाम है कि एग्जाम नू देना किद्दां है, उसकी बेस्ट अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच होंदी है, उस पर वीडियो एक आएगा, वो तुसी देख लेना कि पेपर च बैठ गए हो, हुण पेपर नू देना किद्दां है, किद्दां किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना है। ये वीडियो देख के जे तुसी कोई भी तैयारी नहीं की 100% तुसी हर वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस होएगी, हर पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होएगी, तुसी कित्ते फोकस करना है, बहुत घट टाइम है, तुसी सिर्फ आहा तो सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देख, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने शॉर्टकट मैथड तुक्के लगाने हैं, लॉजिकल स्ट्रैटेजी सीखनिया है, ड्यूरिंग एग्जाम ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਪੰਜ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਦੱਸਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਪਲੱਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ, ਅੱਛੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ।